राहुल गांधी से 3 दिन में 30 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। ईडी ने गुरुवार को ब्रेक दिया, लेकिन शुक्रवार को दोबारा पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। राहुल गांधी ने ईडी से अपील की है कि उन्हें पूछताछ के लिए सोमवार को बुलाया जाए, शुक्रवार को नहीं। इधर कांग्रेस को लगने लगा है कि ईडी राहुल गांधी को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में पार्टी गुरुवार को देश भर में प्रदर्शन कर रही है। ज्यादातर राज्यों में राजभवनों का घेराव जारी है। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन और आशु गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ किए जाने को लेकर हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने पुलिस कर्मी का कॉलर पकड़कर खींचा। रेणुका के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। रेणुका ने अपनी सफाई में कहा है कि मैंने हमला नहीं किया, मैं अपने बैलेंस खो रही थी, इसलिए मैंने उससे कहा कि यदि आप हिले तो मुझे खुद को गिरने से बचाने के लिए आपको पकड़ना होगा। मैं उस आदमी से माफ़ी मांगूंगी। हमारे साथ बदसलूकी करने के लिए पुलिस भी माफ़ी मांगे। हमारे आसपास इतने सारे पुरुष पुलिसकर्मी क्यों थे? दिल्ली में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली पुलिस ने उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया। इस बीच गुरुवार को हिरासत में लिए गए सचिन पायलट, सभी एजेंसियों का दुरुपयोग करके नेताओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है। सत्याग्रह कर सरकार पर दबाव बनाएंगे ताकि एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करें। उधर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का दिल्ली पुलिस ने घर में नज़रबंद कर लिया है। जयपुर में कांग्रेस राजभवन का घेराव करने वाली थी, लेकिन वहां धारा 144 लगी। इस कारण कांग्रेस सिविल लाइन्स फाटक पर ही विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसारा सहित कई नेता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। शुक्रवार को कांग्रेस सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस कमेटी ने लखनऊ में राजभवन घेरने पहुंची है, जहां राजभवन पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो रही है। कांग्रेस बैरिकेडिंग फाड़ कर राजभवन की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ कांग्रेसी नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। प्रदर्शन कर रहे पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गवर्नर हाउस घेरने की कोशिश भी की है, जिन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। कांग्रेसियों को पुलिस पकड़कर सेक्टर 36 थाने में ले गई है। तिरुअनंतपुरम में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है और आशु गैस के गोले भी छोड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस उग्र हो गई है और प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने राजभवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन भी किया है। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई है। आपको बता दें, कांग्रेस प्रमुख डी के शिव कुमार, सीएलपी नेता सिद्धारमैया और पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने के दौरान हिरासत में लिया गया। नसू हिरार केस में ईडी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अब शुक्रवार को पूछताछ होगी। इससे पहले राहुल से लगातार सोमवार, मंगलवार और बुधवार को ईडी ने सवाल किए। 3 दिन में करीब 30 घंटे राहुल से पूछताछ की गई। एक तरफ जहां ईडी अधिकारी उनके जवाबों से असंतुष्ट नजर आए, वहीं राहुल गांधी को भी कहना पड़ा कि लगता है अब यहां रोज आना पड़ेगा, क्योंकि पूछताछ लंबी चलेगी। राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का विरोध पहले दिन से ही जारी है। सोमवार को जब राहुल पहली बार ईडी के सामने पेश होने गए थे, तब उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी पैदल मार्च करते हुए निकले थे। हालांकि उन्हें रोक कर हिरासत में ले लिया गया था। इसी तरह दूसरे और तीसरे दिन भी कांग्रेसियों ने विरोध जताया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।